30 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। महिंद्रा ट्रैक्टर, नई महिंद्रा XP प्लस सीरीज 14.928 दमदार टायर्स के साथ। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के अधिकृत विक्रेता हैं मलैया ट्रैक्टर, तिलकगंज। सागर जिले की रेहली उपजेल में पदस्थ एक प्रहरी को अजीबोगरीब आदेश को लेकर निलंबित किया गया है, जो कि चर्चाओं का विषय है। आदेश ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोग अचंभित भी हो सकते हैं। इसमें एक जेल अधीक्षक के द्वारा प्रभारी पर जेल की रोटियां ले जाने का प्रतिवेदन SDM को दिया है, जिसके बाद जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह का शायद ये पहला मामला होगा कि जब किसी जेल प्रहरी को जेल की रोटियां बाहर ले जाने के मामले में निलंबित किया गया है। इसको लेकर केंद्रीय जेल सागर के अधीक्षक संतोष सोलंकी का कहना है कि सब जेल अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि वहां के जेल प्रहरी द्वारा रोटी सहित कुछ अन्य सामग्री सप्लाई की जा रही है, जिस पर SDM ने जांच करते हुए जेल प्रहरी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और निलंबित कर दिया। ये मामला रेहली सब जेल से संबंधित है। प्रहरी के खिलाफ सहायक जेलर के द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज की गई कि इसके द्वारा जो जेल की सामग्री है, रोटी है, कुछ वो बाहर सप्लाई कर रहा है। उसके बाद ये SDM पदेन जेल अधीक्षक है, उनके द्वारा इस घटना में प्रथम दृष्टया इसको दोषी पाते हुए निलंबित कर विभागीय जांच संस्थापित की गई। इसको लेकर निलंबित हुए राजभान का आरोप है कि रेहली उपजेल में चल रही अनियमितताओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने SDM से शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें टारगेट किया गया और 112 रोटी बाहर ले जाने का झूठा आरोप लगाया गया। जांच के बाद SDM ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए निलंबित किया है। महोदय, उपजेल रेहली में धारा 302 के विचाराधीन बंदी गेट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बने रहते थे, जिसकी मैंने प्रहरी रिपोर्ट बुक में रिपोर्ट लिखा हूँ। सत्य रिपोर्ट लिखने के कारण मुझे दिनांक 6/12 को 112 रोटी ले जाने का झूठा आरोप लगाया गया है और 31/20 की रिपोर्ट में 112 रोटी की रिपोर्ट दिनांक 5/2 को डलवाई गई है, जिसकी शिकायत मैंने SDM महोदय को लिखित दिया था, जिसमें राजबहादुर मयंक यादव के खिलाफ शिकायत की थी। मेरी शिकायत जांच यादव साहब ने किया है। मेरी शिकायत की निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। मेरी शिकायत की निष्पक्ष जांच यदि होगी तो सत्यता सामने आ जाएगी। SDM मैडम ने अधिकारी का पक्ष लिया है और एक पक्षी कार्रवाई करते हुए मुझे निलंबित किया है। मेरी पत्नी न्यायालय जाने की पूर्ण तैयारी कर लिया है और इसमें मुख्य रहेंगे मयंक यादव, दूसरे नंबर पर रहेंगे राजबहादुर और तीसरे नंबर पर रहेंगे SDM मैडम। इनको पार्टी बनाया है और मेरी पत्नी न्यायालय जाने की, हाई कोर्ट न्यायालय जाने की पूर्ण तैयारी कर ली है। यही मेरा कहना है, जो भी मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। बता दें कि घटना 6 फरवरी की है और शिकायत के बाद 12 फरवरी को राजभान को निलंबित किया गया। जानकारी के मुताबिक राजभान 9 फरवरी को छुट्टी पर चले गए थे और वापस 15 फरवरी को जब वो अपने काम पर वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसके 2 दिन बाद मामला मीडिया की सुर्खियों में आया। इस मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें जेलर द्वारा निलंबित प्रभारी को 3-4 लोगों के द्वारा मारपीट करवाने की बात एक व्यक्ति द्वारा जारी वीडियो में कही जा रही है। इस मन उठो पहले पता चल जा काय हमारा हमें काय पता ना चल बेटा यार देखो आ रहा भाई आए बड़टवार का कह रहा हो तो जेलर ने का कह रही थी और कौन लगा सेटिंग्स हैं के भाव है कैसी चीज सेटिंग से जो है रंग आदमी और कौन ने कही थी तुम से कौन कही थी वो ने कहता है कि मार दे कौन है बहादुर कहा कह रहे जेलर ने कहते बहादुर ने हम तक कहते चलो जेलर की क्या भी बीमार कच्चू नहीं होने मेरे भाई देखियो तुम देख ले हैं तुम भी तही और हम भी तही हैं तो हम तुम्हारे चलो आके यार वो ही हो कौन हो जो हमारो है देखियो तुम हम सोई लंबी सेटिंग में रहते हैं जेलर की क्या भी बकरा लगे जो काम देख ले प्यादा ही क्या
जेलर की क्या भी पेजी मारा लगे आप लोग। सही बात है तुम्हारा, क्या वो भी सही है कि जेलर ने कहीं लगे तो हमने कही बहुत सेटिंग से मारो, कई सेटिंग से जेलर की सेटिंग से है बेकार ही है। जहाँ जहाँ रहो है वो ना बहुत अच्छा नकली हो मार, तुमने कहा मारो हो तो क्या करेगा वो, उन्हें कहते ही राज बहादुर भज जाए वो हम तो भज जाए, जब माने थे वो हमें ओगी सिस्टर हमें राखी बहने थे इनके इनके बहादुर के कह भी पाँव मारो के जेलर के कह भी पे जेलर ने पहले कह दी थी। अच्छा जेलर ने तुमसे कह दी थी चला गए। सही है तुम आप देखो अच्छी बात है भैया, जेल की कह रहे तुम्हारे तुम कौन हमारे राजभांदवे हो। सही बात है जेल के कह रहे तुम्हारी सेटिंग लंबी है जो ध्यान रखिए तुम, हमारी का की सेटिंग नहीं हम बता रहे तुम्हें, हमारी कोई सेटिंग नहीं है। हाँ सेटिंग है अपने हम बेच जानते हम आप वहाँ पर राज। इस वीडियो को लेकर केंद्रीय जेल अधीक्षक का कहना है कि उसकी जानकारी उन्हें मीडिया से ही मिली है, रहली पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये वीडियो और इसको लेकर तो ज़्यादा मुझे भी मीडिया के जरिए खबर मिली है, तो ये प्रकरण तो पुलिस जांच में भी है, क्योंकि पुलिस जांच में प्रकरण है, पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। उप जेल से इस तरह की खबरें सामने आना और वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि रहली उपजेल के हालात ठीक नहीं है। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। 30 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा, महिंद्रा ट्रैक्टर 6 साल की वारंटी के साथ टेक्नोलॉजी से तरक्की, नई महिंद्रा XP प्लस सीरीज शानदार माइलेज पावर भी दमदार, 0.928 दमदार टायर्स के साथ गहरी ताकत गहरी जुताई ज्यादा कवरेज के साथ ज्यादा आराम। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के अधिकृत विक्रेता हैं मलैया ट्रैक्टर स्टेशन रोड तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 07582225991 7440447503 7440447509।